एडिट कर दूंगा मैं। सार्जन जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आपने एक लव स्टोरी फिल्म बनाई है, प्रेम इश्क, इसके बारे में कुछ आपको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई और कैसे फिल्म ये मिली बनाई आपने? और बहुत अच्छी, हम लोगों ने आपका प्रोमो देखा, बहुत अच्छी लगी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, और कुछ भी आगे इस फिल्म के बताने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो शुरुआत हुई इस फिल्म को, फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट बुलंद शहर में, तहसील है स्याना, उसके पास में गांव है भैंसोड़ा, तो वहाँ के एक बहुत ही नामचीन डायरेक्टर राजू चौहान जी के माध्यम से मैं इंडस्ट्री में आ सका। उनके ही द्वारा मैं नंदू चौधरी कैमरामैन जी को मैंने असिस्ट किया, और राजू चौहान जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनके जो नैरेट करने का तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। यानी कि आपको फिल्म दिखा देंगे टोटल, जब भी कभी स्टोरी सुनाएंगे तो आपको पूरा ब्लॉक के साथ, लेंस के साथ, और मतलब एवरीथिंग टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग है वो आदमी कि जब कभी स्टोरी सुनाते हैं तो आप पिक्चर देखने लगते हैं। तो वो मुझे वहाँ से सीखने को मिला, और नंदू चौधरी जी ने मुझे बहुत बारीकी से उसके लाइट्स के बारे में मुझे बताया, और क्योंकि मैं फोटोग्राफर था तो मुझे फ्रेमिंग का नॉलेज था ही पहले से, लेकिन फिल्मी कैमरे के बारे में उतना मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने बहुत सारी फिल्में फिल्मों में एज ए कैमरा असिस्टेंट, और बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने, बालाजी किया काफ़ी समय तक। तो उसी दौरान एक व्यक्ति मुझे यहाँ बॉम्बे में मिले, मुक्तेश कुमार जी, और मुक्तेश कुमार जी को पहले छल चुके थे लोग, बात फिल्म बनाने के नाम पर उनको लूट चुके थे, और वो आदमी सबसे लास्ट में जब उसके पास कुछ नहीं बचा तब वो मुझे मिला, और फिल्म वो बना रहे थे इसी को प्यार कहते हैं, उसके गाने आने रिकॉर्ड हो चुके थे। तो जिन लोगों ने चीट किया उस आदमी को, फिल्म तो नहीं बनी, बंद है, बंद पड़ी, डब्बे में चली गई, लेकिन वो व्यक्ति स्टोरी सुनना चाहता था। स्टोरी सुनने की बात आई तो जो उनको मिला रहे थे मेरे से, वो उनको काटना चाहते थे, और उन्हें किसी अच्छे होटल में ले जाना चाहते थे, अच्छा खाना पीना चाहते थे, और ताकि उनको उस दिन काटा जा सके। तो मैंने कहा आपको स्टोरी सुननी है? बोले हाँ। तो फिर हम होटल में क्यों चलते हैं, हम किसी पार्क में बैठ लेते हैं। तो पार्क में बैठ के मैंने स्टोरी सुनाई उनको, वो बहुत बेहद उनको स्टोरी पसंद आई, वो भी रोए, मैं भी रोया, और वो कला मेरे अंदर राजू चौहान जी के द्वारा जो मिली थी नरेट करने की, तो वो बड़े प्रभावित हुए। उसके पहले मैंने कोई फिल्म की भी नहीं थी, उस फिल्म की शूटिंग हुई 2 दिन, लेकिन वो डब्बे में चली गई। लेकिन जितने भी लोग उस प्रोड्यूसर के साथ जुड़े हुए थे सब साइड हो गए, वक्त बदला, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहे। और ठीक 20 साल के बाद वो आदमी मुझे फ़ोन करता है कि उमेश जी यार, मेरे पे कलंक है, मैं अपने गांव भी रात को जाता हूँ और रात को ही वापस आ जाता हूँ, मैं अपनी ससुराल भी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि सब लोग पूछते हैं भाई तुम फिल्म प्रोड्यूसर हो, फिल्म बना रहे थे, तुम्हारी कोई फिल्म आई तो है नहीं? यार जिन्होंने मुझे फिल्म ज़रूर बनानी है किसी भी कीमत पर। तो मैंने कहा कितना पैसा है? बोले 50,000 रुपये। और 50,000 रुपये में कहाँ फिल्म मिलेगी? वो एक समय था 20 साल पहले उसके पास में 10 लाख रुपये थे, उस समय फिल्म नहीं बनी, और 20 साल के बाद 50,000 रुपये में कैसे फिल्म बनेगी? बोले उमेश जी चाहे मोबाइल से बनानी पड़े लेकिन बनाएंगे जरूर। तो 50,000 रुपये से शुरुआत हुई, और फिर मीटिंग सिटिंग्स बैठी, फिर मेरा नाम जुड़ा, तो लोगों से मुलाकात हुई, तो उनको और भी लोग फाइनेंस करने के लिए आ गए, और ये फिल्म एक बड़ी मतलब एक अच्छे बजट की।